हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश शर्मा। आज अपना टॉपिक है बॉडी सिमेट्री इन एनिमल किंगडम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देखें, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होता है। हम सबसे पहले देखते हैं सिमेट्री होता क्या है। जैसे कि कोई भी बॉडी ली मैंने, उस बॉडी को कोई भी प्लेन से काटा, उसके काटने पर दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स मिल गए, देन द बॉडी इज कॉल्ड सिमेट्रिक। लेकिन मैं एक और बॉडी लेता हूँ, उसको कोई एक प्लेन से या कोई से भी प्लेन से काटता हूँ, लेकिन उसमें आइडेंटिकल हाफ एक जैसे टुकड़े मिलने का नाम ही नहीं लेते, देन द बॉडी इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। आया समझ में? देखते हैं। तो बॉडी सिमेट्री जो है, इसके दो टाइप मिल गए। एक तो हो गया एसिमेट्रिक, दूसरा क्या हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक जो है इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन जो सिमेट्रिक है इसमें दो कैटेगरी। पहला है रेडियल सिमेट्री। क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। और दूसरा होता है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब हमें देखना है कि सिमेट्रिक देख लिया, अब इसके भी टाइप इनको भी देख लेते हैं। तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है और बायलेटरल क्या होता है, तो देखिए पहले सुन लीजिए आप, उसके बाद मैं डायग्राम से समझाता हूँ। रेडियल सिमेट्री जो होता है, इसमें हम कोई भी बॉडी लेते हैं, उस बॉडी के सेंटर से या सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन पास आउट कराएंगे तो दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स मिल जाते हैं। इस टाइप की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब डायग्राम से देख लीजिए, जैसे कि मैंने ये कोई बॉडी ली है, ठीक है, इसका ये सेंटर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला एनसीईआरटी में, क्या बोला है, एनी प्लेन, जैसे कि मैंने कोई सा भी एक प्लेन कर लिया, पासेस थ्रू सेंटर और सेंट्रल एक्सिस, देन इट गिव्स टू इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स, दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। दो इक्वल हाफ मिल गए, बहुत सारे बोले ना, तो देखना मैंने बोला कि चलो ये प्लेन ले लेते हैं, इधर भी हो गया इक्वल। अब मैंने बोला इधर से कर लेते हैं, इधर, समझे? तो कोई सा भी प्लेन लीजिए आप, बहुत सारे प्लेन लीजिए, सेंटर से पास कराएंगे, दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स मिल रहे हैं, ऐसी सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। खत्म। उसके बाद में बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, देखिए याद रखना, इसमें याद रख लेना तुम एक चीज, एनी प्लेन मतलब कोई सा भी प्लेन लेंगे, लेकिन बस एक शर्त है भैया, सेंट्रल एक्सिस या सेंटर से पास कराना पड़ेगा। यहां पर मैं एक वर्ड लिखूंगा बस, सिंगल प्लेन। क्या समझे? बायलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जहां बस और बस एक ही प्लेन होता है, मींस कोई भी बॉडी है उसमें बस और बस एक ही प्लेन रहेगा, उसी प्लेन से काटेंगे अगर बॉडी को तो दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे, और चाहे कोई सा ही हो, मतलब एक से ज्यादा नहीं होंगे, कोई बॉडी ऐसी होगी नहीं जिसमें भैया बायलेटरल सिमेट्री है और उसमें दो प्लेन है, नहीं, एक ही प्लेन होगा बायलेटरल सिमेट्री में, और उसी एक प्लेन से दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, रिलेट नहीं हो पा रहा है, करते हैं रिलेट। मेरी बॉडी है, ठीक है, अब मैं मेरी बॉडी को बहुत सारे टुकड़े कर सकता हूँ अलग अलग तरीके से, मैं दो बताता हूँ, ठीक है। देखना, मैंने मेरी बॉडी को वर्टिकल से इस तरह से काटा, बीच में से, ठीक है, काट दिया, और एक और बार मैं क्या करूँ, पेट के यहाँ से इसको इस तरह से काटता हूँ। आप देखिएगा, आप खुद देखो कि जब मैं इस तरह से काटता हूं तो सब हमारी बॉडी के एक एक पार्ट्स, मतलब एक इधर इक्वल आइडेंटिकल कट जाएगा, ठीक है, लेकिन जब मैं वापस पेट के यहां से काटता हूं तो दो इक्वल आइडेंटिकल नहीं मिल पाएंगे। कैसे? देखो, दो पांव नीचे रह गए, दो हाथ रह गए, होता ऐसा कि एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, एक पांव ऊपर एक पांव नीचे, तो आइडेंटिकल बोल देते। और भी है, जैसे कि भैया पेट में देखे तो लंग्स, लीवर, स्टोमक सब ऊपर रह गया, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये आइडेंटिकल थोड़ी हुआ। तो
तो आइडेंटिकल हाफ्स हमारी बॉडी में तब मिलेंगे जब मैं वर्टिकल सेक्शन से इसको काटता हूं, दो इक्वल मिल गए। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, समझ में आया रेडियल और बायलेटरल? ठीक है, अब देखिए एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, क्या पूछेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री का क्या एग्जाम्पल होगा और बायलेटरल सिमेट्री का क्या एग्जाम्पल होगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल याद रखना है, वो है एसिमेट्री का। ये जो एसिमेट्रिक कोई बॉडी है ये कहां पाया जाता है? तो एक चीज याद रखना आप, पोरीफेरा। एक और नाम क्या है पोरीफेरा का? स्पॉन्जेस। ये यहां पाया जाता है और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिमेट्रिक टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्री जो था, सिमेट्री में दो थे, कौन था? रेडियल। ठीक है, रेडियल और एक और क्या था? बायलेटरल। ठीक है, अब रेडियल है और बायलेटरल। रेडियल के मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूं, मतलब कौन कौन आता है इसमें। तो पहला याद रखना इकाइनो डर्मेटा, दूसरा याद रखना आप टीनो फोरा, फिर तीसरा याद रखना आप स्लेंड्रेटा। मैं जैसा लिख रहा हूं ना वैसे याद रखना, क्यों? क्योंकि ट्रिक है आगे, देखो इसकी ट्रिक याद रखना आप, ई टी सी। ठीक है, ई टी सी हम बोलते हैं ना ए बी सी डी एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा वाला हो गया ई टी सी। अब बोलेंगे भैया तो सी सी है, देखो भैया ये जो सी है ना साइलेंट होता है, तो इसको हम प्रोनाउंस टी से करते हैं, टीनोफोरा। तो ये टी यहाँ ऐसा होगा, ईटीसी से आप याद रखना, ईटीसी किसका है? रेडियल सिमेट्री, खत्म। अब बायलेटरल पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब बायलेटरल सिमेट्री जहाँ लिखा है पेज पे, वहां क्या है दो एग्जाम्पल दिए हैं, आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा, और फिर क्या कर दिया है etc। ठीक है, लेकिन जब मैं एक और नेक्स्ट पेज देखता हूं, जो वहां पर टेबल पूरा बना है, चार्ट बना है, वहां पर लिखा है प्लेटी एलवेंथिस, फिर एसजी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर मोलस्का, सॉरी आर्थ्रोपोडा बाद में मोलस्का, फिर कैंडरमेटा, फिर हेमिकोर्डेटा, फिर कोर्डेटा। तो मैं इसको ना लिखे या लिख देता हूं प्लेटी हेलमेंथिस टू कोर्डेटा, ऐसा लिखा है चार्ट में, ऐसा लिखा है चार्ट में। क्या लिखा है? बायलेटरल सिमेट्रिक में होती है और यहां दो ही लिखा है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं ये करें कि ये करें, समझ नहीं आ रहा। तो याद रखना ये लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा, लिखना भूल गए, एनसीईआरटी की मिस्टेक है। तो याद रखना ये क्या हुआ, प्लेटी एलिमेंथिस से कोऑर्डिनेटा तक कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो मैं यह क्या लिखूं, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे? अब तुम्हें क्या करना, दो जगह अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार क्या अपना बायलेटरल है तो बायलेटरल में याद रख लेना प्लेटी एलिमेंथिस टू कोऑर्डिनेटा। इसमें यार ये पता नहीं है इसमें बीच में कौन है, फर्स्ट लेक्चर में पूरे बताया है फाइलम के नाम, याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो इसमें पूरा आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, क्या कि इकाइनोडर्मेटा तो यहाँ भी है और इकाइनोडर्मेटा इसमें भी बीच में आएगा, तो फिर क्या दोनों लगा देंगे? क्या नहीं लगाएंगे दोनों, फिर क्या है अलग, मैं बताता हूँ। तो याद रखना यहाँ बायलेटरल जो है, बायलेटरल में जो इकाइनोडर्मेटा आएगा, बायलेटर में जो इकाइनोडर्मेट आएगा उसमें कौन आएगा? लार्वा। लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा शोस बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और यहां क्या हो गया एडल्ट, क्या हो जाएगा एडल्ट, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा शो रेडियल सिमेट्री। थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है,
ट्रिक बता देते तो अच्छा होता, तो बता देते हैं ट्रिक। याद रखना, यहां हटा रहा हूं मैं, इस जगह लिख कर लेना नाम यहां पर। तो क्या है, लिखिए वापस से आर ए डी आई एन। अरे रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल की स्पेलिंग लिखा है यहां पर। आर को डोनेट कर लीजिए आप, आर से मतलब रेडियल। अब ये जो है ना ए डी, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये जो ए डी है ना एडियल में, ये एडल्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एडल्ट को शो कर रहा है। तो मैं ये ट्रिक बनाए किसके लिए? इकाइनोडर्मेटा के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, इकाइनोडर्मेटा के लिए। तो एक तो हो गया रेडियल, एक बोले बायलेटरल। रेडियल में आर क्या कर देगा? रेडियल। ए डी क्या कर देगा? एडल्ट। किसके बारे में? इकाइनोडर्मेटा। तो क्या हो गया, इन दोनों में से ना तुम एक याद रखना, वो याद रख लेना। ये रेडियल सिमेट्री जो होती है उसमें इकाइनोडर्मेटा एडल्ट वाला होता है, ठीक है। लार्वा कहां होता है? बायलेटरल। अब बता, क्वेश्चन करिए, स्टेटमेंट आ गया ट्रू और फॉल्स, या फिर बोल दिया उसने कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैं पहला आपको देता हूं, बताना ऑल द स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक, ठीक है। दूसरा मैंने बोल दिया सम स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक, फिर मैंने बोल दिया बताइए मोस्ट स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहां? मोस्ट, यहां क्या है? सम, यहां क्या है? ऑल। एक और लिख देता हूं मैं, रेयर स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, मींस कौन सा ट्रू, क्या बताना है हमें? ट्रू स्टेटमेंट बताना है, क्या होना चाहिए आंसर? ये याद रखना, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी है मोस्ट स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिक। अगर ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये है तो गलत है, ये है तो गलत है, तो सही कौन सा है? वैसे ये मोस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।